तो दोस्तों आप अगर मेरा YouTube चैनल को ओपन करोगे और ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर अगर आप शॉर्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पर जाओगे और थोड़ा अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 293K वाला एक वीडियो दिखेगा। जो वीडियो गाइस यहाँ पर ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इस वाले वीडियो में आपको यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट का सीन देखने को मिल रहा होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको किसी भी ट्रेन के सामने जाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो पूरा चीज़ें है एडिटिंग के माध्यम से होने वाली है। तो दोस्तों आप भी अगर इस प्रकार का वीडियो एडिट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपना वीडियो को दो पार्टों में शूट करना होगा। स्टेप वन के पार्ट को गाइस आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से एक्टिंग करके वीडियो को शूट कीजिएगा। इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो एक बंदे को मैंने कहा है कुछ इस तरह धकेल के एक्टिंग करके मैंने शूट करने के लिए कहा था, तो दो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से अपना वीडियो को शूट कर लिया है। और स्टेप टू में गाइस उसी पटरी पर ट्रेन आने का मैंने इंतजार किया है और खाली ट्रेन का मैंने पार होते हुए एक वीडियो को शूट किया है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों पार्टों को दिखाया हूँ सेम टू सेम आपको यहाँ पर वीडियो को शूट कर लेना होगा। बाकी दोस्तों वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो का लाइक करके नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा सब्सक्राइब करके, चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो को एडिट करना है। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो को मैं एडिट करने के लिए काइनमास्टर ऐप का यूज करूंगा। अगर साथियों आपके फोन में काइनमास्टर ऐप पहले से इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, वरना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों आपको यहाँ पे अपना जो स्टेप वन वाला वीडियो है उस वाले वीडियो को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके टाइमलाइन पर ले आइएगा। लाने के बाद साथियों सबसे पहला काम आपको अपने वीडियो का जो वॉल्यूम है आपको यहाँ पर म्यूट कर लेना होगा। म्यूट करने के बाद साथियों अब आपको अपना वीडियो को यहाँ पर प्ले करना होगा। और वीडियो को प्ले करके जहाँ पर बंदा कुछ इस तरह से देख सकते हो यहाँ पर मुझे धक्का दे दिया है और ये पीछे तरफ कुछ इस तरह से झुक रहा है, इस जगह पर आपको आके यहाँ का एक फोटो आपको कैप्चर करना होगा। फोटो कैप्चर करने के बाद साथियों आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक कीजिएगा। ये जो कैंची वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके यहाँ पर साथियों आपको स्प्लिट कर लेना होगा। स्प्लिट करने के बाद आपको इस वाला फाइल पे क्लिक करना है। आपको जो ये 3 डॉट दिख रहे होंगे आपको इस वाले 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर आप डुप्लीकेट एज लेयर के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब साथियों आपको यहाँ पे ये जो वीडियो इसको छोटा करके आप अपने वीडियो में कहीं पर भी आप इसको यहाँ पर रखिएगा। रखने के बाद साथियों आपको इस वाला फाइल पर क्लिक करना है और इसको आप यहाँ पर एडिट कर दीजिएगा। अब साथियों आपको यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस अभी आपको जो ट्रेन वाला वीडियो है उस वाले वीडियो को आप यहाँ पर सिलेक्ट करके टाइमलाइन पर ले आइएगा। लाने के बाद सबसे पहला काम आपको इस वाले वीडियो का जो वॉल्यूम है आपको यहाँ पर म्यूट करना होगा। म्यूट करने के बाद साथियों आप अपना वीडियो के यहाँ पर प्ले कीजिएगा और प्ले को प्ले करके जहाँ पर ट्रेन आपका यहाँ पर बीचों बीच में आ जा रहा है इस पार्ट में आपको आके कैंची वाले ऑप्शन में जाके आगे का जो पार्ट है इसको आप यहाँ पे हटा लीजिएगा। हटाने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। आपने दोस्तों जो फोटो यहाँ पर सेव किया है उस वाली फोटो को आपको सेट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस तरह से आप यहाँ पर कॉर्नर में लाइएगा और इस वाले एरो में पकड़ के आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन में इस टाइप से आपको यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। अब आपको यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाना होगा और कुछ इस टाइप से गाइस आपको यहाँ पे ये जो सेकंड वाला बंदा है इसी को दोस्तों आपको यहाँ पर रखना होगा। रखने के बाद आप यहाँ पर बैक कीजिएगा। अब साथियों आप यहाँ पे राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक मैजिक रिमूवर का ऑप्शन दिखेगा, आपको साथियों इस पर क्लिक कर देना है। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड है यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। अब साथियों आपको यहाँ पे की फ्रेम पे एक बार क्लिक करना होगा, जस्ट थोड़ा स्लाइड कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा आपको इसको स्लाइड करना होगा। स्लाइड कर लेने के बाद प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके अभी इसको आप यहाँ पे इस साइड में इसको घिसका दीजिएगा। इससे गाइस यहाँ पर अगर देखोगे तो बंदा गाइस यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है इस तरह का यहाँ पर सीन बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरा थोड़ा यहाँ पर लेट से जा रहा है तो इतना भी नहीं करना था, इसको मुझे और जल्दी से करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो ट्रेन वाला वीडियो इस पर क्लिक करना होगा। स्पीड वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको इसको कुछ इस टाइप से 2x आप यहाँ पर कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको इस वाले क्लिप पे क्लिक करना होगा। अभी आपको यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करके कुछ इस टाइप से पहले आपको इसको यहाँ पर फुल स्क्रीन में एक बार एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर लेने के बाद साथियों अब आपको यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाना होगा। अब आपको यहाँ पे अपना जो पार्ट है उसी वाले पार्ट को आप यहाँ पे रखिएगा कुछ इस टाइप से। रख लेने के बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो वीडियो है इसका बैकग्राउंड को आपको रिमूव करना है। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर राइट साइड में मैजिक रिमूवर का जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जब साथियों आप यहाँ पर क्लिक करोगे ये प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना होगा।
तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ टाइम वेट करने के बाद मेरे वीडियो का जो बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो गया है। अब ये मेरा थोड़ा गाइस यहाँ पे थोड़ा आउट ये भी हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं पहले एडजस्ट करूँगा। उसके लिए दोस्तों आपको वापस से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके ये गाइस जितना आपका फुल होता है उतना आपको यहाँ पर करना होगा, और इसको आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अभी आपको फाइल पर क्लिक करना होगा। राइट साइड में अगर आप यहाँ पे देखो तो एक एडजस्टमेंट का आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस ब्राइटनेस को मैं हल्का सा घटा देता हूँ, और कॉन्ट्रास्ट को भी मैं हल्का सा यहाँ पर घटा दूंगा, सैचुरेशन को भी मैं हल्का सा डाउन कर दूंगा, जिससे गाइस इस वाले क्लिप के साथ ये मैच हो सके। अब दोस्तों मैं अगर अपने वीडियो को प्ले करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मेरा वीडियो दिखेगा, देख सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपका जो एक्सटेंड वाला वीडियो है वो गाइस यहाँ पर आपका बन जाएगा, ठीक है। बट इसमें आपको स्लो मोशन एडिट भी आपको यहाँ पर अभी करना होगा। उसके लिए साथियों आपको यहाँ पर पहले शेयर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 1080 60fps और बिट रेट को हाई में रख के अपना वीडियो को दोस्तों आप यहाँ पर एक बार सेव कर लीजिएगा। तो जैसा कि गाइस आप यहां पे देख सकते हो मेरा जो वीडियो सेव हो चुका है। अब आपको बैक करके बाहर आना होगा, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में जाके 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को सेट करके अपना जो वीडियो दोस्तों आप यहां पर सेट करके टाइमलाइन पर ले आइएगा। लाने के बाद अब आप यहां पे देखोगे तो जहां से बंदा ये मुड़ता है, सॉरी मेरा आगे चला गया, जहां से ये मुड़ रहा है यहां पर मुझे आना होगा। आने के बाद मैं यहाँ पर कैंची वाले ऑप्शन में जाकर स्प्लिट करूँगा। अब जहाँ तक गाइस ये धक्का दे रहा है इतना पार्ट में आके मैं वापस से मैं यहाँ पे स्प्लिट करूँगा, और ये वाला जो पार्ट है इसको स्पीड वाले ऑप्शन में जाके कुछ इस तरह से 0.5x में इसको यहाँ पर कर दूंगा। अब साथियों मेरा अगर वीडियो का आप प्ले करके देखोगे तो देख सकते हो यहाँ जैसे बंदा मुड़ा यहाँ पर वीडियो स्लो मोशन हुआ, और स्लो मोशन में दौड़ता हुआ आ रहा है और मुझे ये धक्का दे रहा है, और मैं कुछ इस तरह से गाइस यहाँ पर पार हो जा रहा हूँ। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान से स्टेप को फॉलो करके आप इस तरह का ट्रेन एक्सीडेंट वीडियो एडिट कर सकते हो। बाकी इस वाले शेयर के आइकॉन पर क्लिक करके 1080 60fps पर अपना वीडियो को आपको सेव कर लेना होगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल है आपको कैसा लगा आप मेरे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट एडिटिंग वाले वीडियो के ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय टाटा, नमस्कार।